दिस इज़ पार्ट टू ऑफ द वीडियो ऑफ पेज नंबर 63। पार्ट वन में हमने 1 से लेकर 20 तक के जो नंबर्स थे उसके फैक्टर्स लिखे थे। अब हमारे पास ये स्टेटमेंट्स हैं जिसे हमें ट्रू और फॉल्स लिख के बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ये हम इस वीडियो पार्ट टू में पेज नंबर 36 के कंप्लीट करेंगे इसको। 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 15। 3 15 का फैक्टर है, इट मीन्स कि 15 3 से डिवाइड हो जाता है, या इसको सिंपल वे में अगर हम कहें तो इसका मतलब ये होगा 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है या नहीं। बिल्कुल आता है। 3 5 15 होता है, इट मीन्स 3 जो है वो 15 का फैक्टर है। यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू, ठीक है। ट्रू को टी से और फॉल्स को एफ से, एफ लिखेंगे। और 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 16, ठीक है। इसका क्या मतलब है? 4 16 का फैक्टर नहीं है, यानी कि 16 जो है वो 4 के टेबल में नहीं आता। ये फॉल्स है क्योंकि 4 4 16 होता है, इसलिए 4 जो है वो 16 का फैक्टर है। जैसे यहाँ पे अभी हमने 16 के जब फैक्टर्स लिखे थे तो इसमें 4 लिखा था, इट मीन्स कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। थ्री इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18। अच्छा, HCF अभी हमने नहीं किए हैं, ठीक है। जब ये हम कर लेंगे तो आपको इसका मतलब समझ आ जाएगा। जैसे आपको दो नंबर्स दिए जाएंगे, उसमें आप फैक्टर्स लिखेंगे और उसको फिर कंपेयर करके देखेंगे कि जो सबसे बड़ा उसमें फैक्टर होगा वो उसका HCF कहलाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास मैं देखते हैं, यहाँ पे 12 के फैक्टर्स भी लिखे हैं और 18 के फैक्टर्स भी लिखे हैं। 12 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 एंड 12। 18 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 6 9 एंड 18, ठीक है। पहले इसके कॉमन फैक्टर्स देखेंगे कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। दोनों में 1 है, दोनों के 2 है, दोनों में 3 है, 4 दोनों में नहीं है इसलिए 4 इसका कॉमन फैक्टर नहीं है, 6 दोनों में है इसलिए 6 कॉमन फैक्टर है, 12 नहीं है इसमें, 9 और 18 12 में नहीं है, ठीक है। तो इसके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 1 2 3 6, और इसमें जो बड़ा नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो 6 है। इसका मतलब है ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, वो 3 को कह रहे हैं, जबकि हमने यहाँ पे अभी 12 और 18 के कंपैरिजन में ये देखा था कि यहाँ पे 6 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो 3 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता 12 और 18 का, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 30, ठीक है। 5 जो है वो 30 का फैक्टर है, मीन्स 35 से डिवाइड हो सकता है पूरा, या 30 जो है वो 5 के टेबल में आता है। 5 6 30 होता है, इसलिए स्टेटमेंट ये ट्रू है। 1 3 4 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12, ठीक है। वो कह रहे हैं 1 3 और 4 जो है वो 12 के कॉमन फैक्टर्स हैं। देख लेते हैं, यहाँ पे अभी हमने 12 का फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 6 12, इसमें 1 3 4 12 के कॉमन फैक्टर्स हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ 9, अब कह रहे हैं 6 जो है वो 9 का फैक्टर है, यानी कि 9 6 से पूरा डिवाइड हो जाता है, या 9 6 के टेबल में आता है। 9 6 के टेबल में नहीं आता। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, मतलब 6 2 12 हो गया, इट मीन्स कि 9 तो 6 के टेबल में आता ही नहीं है, तो ये हमारी ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। 8 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 64, 8 64 का फैक्टर नहीं है, ठीक है। यानी कि 64 8 से डिवाइड नहीं होता, या 64 8 के टेबल में नहीं आता। इस स्टेटमेंट का मतलब है
कि 8 64 के टेबल में नहीं आता, ये फॉल्स है, जब क्योंकि 8 के टेबल में 64 आता है, जब हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 8 64 होता है, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि 8 64 का फैक्टर है। जैसे यहाँ पे देखें, अच्छा यहाँ पे तो अभी 64 आया ही नहीं था नंबर, 8 का टेबल याद होना चाहिए, जब आपको टेबल याद होंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कौन किसका फैक्ट, कौन किस टेबल में आता है कौन सा नंबर और वो उसका फैक्टर है कि नहीं। 9 इज फैक्टर ऑफ 99, 99 का फैक्टर है, कैसे 99 9 से पूरा डिवाइड हो जाता है या 99 9 के टेबल में आता है या नहीं, 9 11 99 होता है, तो इट मीन्स 99 जो है वो 9 का फैक्टर है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। द एच सी एफ ऑफ 21 and 28 इज 14। क्या स्टेटमेंट है हमारे पास, 21 और द एच सी एफ ऑफ 21 and 28 इज 14। जब हम एच सी एफ लेंगे 21 और 28 का तो वो 14 आएगा, इसको करके देख लेते हैं आता है कि नहीं। 21 के फैक्टर्स लिखे कि 21 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 3 7 और 21 के ये फैक्टर्स हैं, 28 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 2 4 7 14 28, ठीक है ये 28 के फैक्टर्स हैं, यानी कि 28 इन सारे नंबर्स में आता है। अब इसके पहले कॉमन फैक्टर्स निकालें जो दोनों में कॉमन है, 1 दोनों में कॉमन है, इसके अलावा 7 दोनों में कॉमन है, ठीक है, और इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, यानी कि इसमें बड़ा नंबर कौन सा होगा, वन ऑफ 7 में से 7, ठीक है, इसका मतलब है 14 21 और 28 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, ये फॉल्स होगा। 16 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 144, 16 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 144, 16 9s 144 होता है, इसका मतलब है कि 144 जो 16 जो है वो 144 का फैक्टर है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। वो कह रहे हैं कि नहीं, इस स्टेटमेंट में ये बता रहे हैं कि नहीं है, लेकिन 16 9s 144 होता है, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 11 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 111, 11 जो है वो 111 का फैक्टर नहीं है, 111 जो है वो 111 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये इसका फैक्टर नहीं है। इनके बाद अगर हम 111 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, और आसान वर्ड्स में 11 के टेबल में 111 नहीं आता, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। 4 इज द एच सी एफ ऑफ 8 16 and 20, 4 जो है वो 8 16 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। यहाँ पे देख लेते हैं, 8 के फैक्टर्स लिखे हैं 1 2 4 8, 16 के फैक्टर्स लिखे हैं 1 2 4 8 and 16, और 20 के लिखे हैं 1 2 4 5 10 20। इसके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 2 4 इसमें भी है, 16 में भी 1 2 4, ठीक है 1 2 4 है इसमें, 16 में भी 1 2 4 है और 20 में भी 1 2 4 है, इन दोनों में 8 है लेकिन 20 में 8 नहीं है, इसका मतलब है 1 2 4 में से जो 4 है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। 8 इज़ अ फैक्टर ऑफ 100, 8 100 का फैक्टर है, यानी कि 100 जो है वो 8 के टेबल में आता है, ऐसा स्टेटमेंट में कह रहे हैं, लेकिन 100 8 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब है ये फॉल्स है। 7 इज़ द फैक्टर ऑफ 35, 35 का फैक्टर है 7, इसका मतलब है 35 7 से पूरा डिवाइड होता है, या सिंपल अगर आप कहें ना कि 35 जो है वो 7 के टेबल में आता है, 7 5s 35 होता है, इसका मतलब है ये ट्रू है। 10 इज़ द फैक्टर ऑफ 100, 10 जो है वो 100 का फैक्टर है, इनके 10 के टेबल में 100 आता है,
टेन टेन ज़ा हंड्रेड होता है, जब हम टेन को टेन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हंड्रेड आता है, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट ट्रू है, टेन हंड्रेड का फैक्टर है। एट इज़ द एच सी एफ ऑफ 16, 32 एंड 40। एट जो है वो एच सी एफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 16, 32 एंड 40 का। कौन कौन से नंबर हैं? 16, 32 और 40, ठीक है। इसमें वो कह रहे हैं कि 8 जो है वो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 1, 2, 4, 8, 16, 16 के फैक्टर्स हैं, 32 के फैक्टर्स हैं, 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 40 के फैक्टर्स हैं, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 एंड 40, ठीक है। इसके सी एफ लिख लेते हैं, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1, 2, 4 एंड 8, ठीक है। अब इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 8, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट जो है ये राइट ट्रू है, इसमें हम ट्रू लिख देंगे। 5 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ 100, कह रहे हैं 5 जो है वो 100 का फैक्टर नहीं है, 100 5 से पूरा डिवाइड नहीं होता, या 5 के टेबल में 100 नहीं आता, ये फॉल्स है, क्योंकि 100 25 ज़ा 100 होता है, इसका मतलब है 5 जो है वो 100 का फैक्टर है। 18 इज़ द फैक्टर ऑफ 164, 18 इज़ द फैक्टर ऑफ 164, 18 जो है वो 164 का फैक्टर है, इनके 18 के टेबल में 164 आता है या नहीं, 18 के टेबल में 164 नहीं आता, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 12 इज़ द फैक्टर ऑफ 102, यानी कि 102 12 से पूरा डिवाइड होता है, या 12 के टेबल में 102 आता है या नहीं, 12 के टेबल में अगर आपको याद हो तो 12 के टेबल में 102 नहीं आता, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, ठीक है। तो हमारे ये जो स्टेटमेंट्स थे ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा ये जो हमें टेबल गिवन थे 1 से लेकर 20 तक, ये भी कंप्लीट हो गए। अच्छा, अब ये बुक में तो आप इसको एज इट इज़ कंप्लीट कर लेंगे, फर्दर प्रैक्टिस के लिए आपकी कोई भी रफ कॉपी हो उसमें 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स लिखिए, और ये फैक्टर्स को बग़ैर देखे दोबारा से लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए, और टेबल्स भी आप रोज़ाना रिवाइज़ किया करें, ताकि जब आपको इस तरह के सम्स करने के लिए टेस्ट में या एग्ज़ाम्स में हो तो कोई आपको मुश्किल ना हो। पेज नंबर 61 आपका होमवर्क पेज है, इसमें आपको 14, 15, 18, 21 और 24 के फैक्टर्स फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।